नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से बिहार की राजनीति की। बिहार की राजनीति के बड़े सियासी सूरमा रामकृपाल यादव और राधा मोहन सिंह को नरेंद्र मोदी ने क्यों दिखा दिया बाहर का रास्ता। 2019 के लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद पिछले दिनों नरेंद्र मोदी सरकार का मेगा शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हो गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में 57 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई है। इनमें से कई पूर्व मंत्रियों की जहां छुट्टी कर दी गई तो कई नए चेहरों को जगह भी दी गई है। बात करें अगर नियमों की तो 543 सदस्यीय लोकसभा में 15% के करीब यानी कि करीब 87 सांसदों को मंत्री बनाया जा सकता है, यानी कि आने वाले वक्त में मंत्रिमंडल के विस्तार में कई अन्य सांसदों को मौका मिल सकता है। अब मंत्रिमंडल विस्तार के बाद बिहार में सबसे ज्यादा इस बात की चर्चा है कि पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव को जगह क्यों नहीं मिली। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर इन दोनों नेताओं का क्या कसूर था जो उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बात करें राधा मोहन सिंह की तो वो 6ठी बार मोतिहारी लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने हैं, जबकि रामकृपाल यादव 3री बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं और 1 बार राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि राधा मोहन सिंह अपने कार्यकाल के दौरान कृषि मंत्रालय के लिए कुछ खास नहीं कर सके, जिनकी वजह से पीएम मोदी उनसे नाराज भी थे। वहीं उनकी उम्र को भी एक वजह बताई जा रही है कि उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बात करें अब रामकृपाल यादव की तो उन्होंने पाटलिपुत्रा सीट पर एक बार फिर से कड़े मुकाबले में राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती को हरा दिया है, लेकिन इस बार वो मंत्री बनने से वंचित रह गए। इसके पीछे सबसे बड़ा रोड़ा बन गए बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय। नित्यानंद राय भी यादव समुदाय से हैं और उन्होंने राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को पराजित किया है। अब एक ही जाति के 2 लोगों का मंत्रिमंडल में शामिल होना नरेंद्र मोदी के लिए किसी भी सूरत में संभव नहीं था, इसीलिए इन दोनों नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। धन्यवाद।